दोस्तों वेलकम है तुहाडा साडे चैनल उत्ते। किताब मेलजोल, लेखक नरिंदर सिंह कपूर, लेख खेडां। समस्यावां सुलझाउणा मनुखी दिमाग की सब तो वड्डी मौज हुंदी है। जदों साडे कोल असली समस्यावां ना होण तां असीं नकली समस्यावां उपजा लैंदे हाँ, जिन्हां नूं दूजे शब्दां विच खेडां कहिंदे हन। उदाहरण वजों ताश की खेड की है? ये खेड दोस्तां जां जाणुआं नाल ही खेडी जांदी है। असी एक दूजे नूं अपने दुश्मन जां विरोधी मित्र लैंदे हाँ अते उहनां नूं हराउण दा यतन करदे हाँ। जे असी सफल हो जाइए तां खुश हुंदे हाँ, जे असफल हो जाइए तां दूजिआं दे ताने मिहणे सुणने पैंदे हाँ। इवें मन परचावा भी हो जाता है, वेला समा भी लंघ जाता है अते मिल बैठण दा अवसर मन दा अनुभव भी प्राप्त हुंदा है। खेड दे उपरोतक सिद्धांत नूं सब प्रकार दीआं खेडां उत्ते लागू कीता जा सकता है। पुराने जमाने विच अजिहे मुकाबले शिकार करन दे खेतर विच हुंदे सन। शिकार करन विच जित्तण जां सफल होण दी संभावना अते हारन जां असफल होण दा डर बणिआ रहिंदा सी। पुराने समयां विच शिकार कीते जानवर दाउ उत्ते लाए जांदे सन, जदों कि अजकल रुपए पैसे आदि दाउ उत्ते लगदे हन। ये कोई हैरानी वाली गल नहीं कि पुराने समय के जीवन निर्वाह के साधन अजकल के मन परचावे बन गए हैं। दौड़े जाते जख्मी जानवर नूं दौड़ के फड़ना, लम्मी छाल नाल खाल टप्पणी, उछल के रुकावट उलंघनी, घोड़े की सवारी करनी, दूर तक पत्थर यानी गोला सुटना, नेजा चलाउणा, तलवार चलाउणी, बेड़ी राही पानी वाले राह पार करने आदि पुरातन मनुख की उपजीविका के आधार सन। पर यह अजकल दीआं अंतरराष्ट्रीय खेडां हन। जिस किस्म दीआं चुस्तियां पुरातन जीवन के संदर्भ विच जरूरी सन, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਪਾਰਕ ਦਾਉ ਪੇਚ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਪੁਚਲਾਉਣਾ, ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਫਸਾਉਣਾ ਆਦਿ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। मच्छी फड़न वेले मनुख पैंतड़ा तां कुंडी नाल आटा ला के यानी दोस्ती वाला वरतदा है, पर दिंदा धोखा है। पुराने जमाने वांग हुण वी खेड विच अपने विरोधी दी अज्ञानता दा पूरा लाभ उठाउण दा यतन कीता जांदा है। उस जमाने विच वी कोशिश कीती जांदी सी कि अपने विरोधी नूं भुचला के अपना उल्लू सीधा कीता जावे। उदाहरण वजों हाकी नूं खेड चलाकी कहा जांदा है। कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि उसने सारिया खेडा खेडिया हैं। आधुनिक युग विशेषक बनन दा युग है अते खेडा इन्निया गुंझलदार हो गई हैं कि किसी एक खेड विच महारत प्राप्त करने विच ही जीवन का सारा चुस्त भाग खर्च हो जाता है। जीवन के हर खेत्र विच वन सवनता इस हद तक वध गई है कि सारिया खेडा का लेखा जोखा भी संभव नहीं, पर सारिया खेडा के सिद्धांतक अते मनोविज्ञानक आधार सांझे हैं। इसे कारण जिस किसी नूं कोई एक खेड आउंदी है ओह किसी भी होर खेड दीआं मुश्किलां अते जोश वालीआं स्थितियां सहजे ही समझ सकता है अते उहनां दा आनंद माण सकता है। खेडां दा स्थानक भूगोलिक स्थिति अते सभ्याचार नाल डूंघा संबंध हुंदा है। उदाहरण वजों कबड्डी, कुश्ती आदि पंजाब दीआं मनभाउंदीआं खेडां हन। इहनां दे हरमन प्यारे होण विच पंजाब दा खेतीबाड़ी प्रधान होना सब तो वड्डा सहाई कारण है। कबड्डी अते कुश्ती शरीरक तकड़ाई अते करड़ाई दा मुकाबला हुंदियां हन। शरीरक तकड़ाई अते करड़ाई खेतीबाड़ी दे काम विच सहाई हुंदी है। जिन्हां देशां विच जिस्मानी ताकत दी लोड़ घट पैंदी है उते खेडां भी शरीरक तकड़ाई दी थां मानसिक चतुराई वालियां हन। शतरंज, ब्रिज आदि मानसिक चतुराई दीआं खेडां हन। उंज भी अफसर तबका बैडमिंटन, लॉन टैनिस, गोल्फ आदि हल्कियां फुल्कियां खेडा खेडता है, क्योंकि उन्हां नूं हल्की फुल्की शरीरक कसरत अते चुस्ती दी ही लोड़ हुंदी है। इवें ही अमीर लोग महंगियां पर हल्कियां खेडां खेडदे हन। इस दे नाल ही खेडां आर्थिकता नाल भी जुड़ियां होईयां हन। उदाहरण वजों कुश्ती अते कबड्डी पंजाब दी गरीब किसानी दीआं खेडां हन। इन्हां दोहां खेडां विच किसे प्रकार दे सार समान दी लोड़ नहीं पैंदी, सगों खेडण वालियां नूं पाए होए कपड़े भी लाउणे पैंदे हन। इवें ही हाकी पंजाब दी थोड़ी जही खुशहाल किसानी दी खेड है। हाकी नूं पंजाबियां ने अपना लिया है अते इह उहनां दे नां नाल जुड़ गई है। पर जिहो जही हाकी असीं खेडदे हाँ ओह पंजाबी खेड नहीं, सगों टल्ले मारन दा अंतरराष्ट्री रूप है।
क्रिकेट अमीर अते खुशहाल मुल्क यानी बरतानवी सामराज की खेड रही है। इस खेड का प्रभाव भी उन्हां मुल्कां उत्ते है जिहड़े अंग्रेजां दे प्रभाव अधीन रहे हन, क्योंकि यह आर्थिकता पक्षों हाकम जमात की खेड रही है। इसे लई हाकम जमात प्रति अपना विरोध प्रगटाउण लई कई वारी गरीब खिडारी इस नूं वेलड़ां दी खेड कहिंदे हन, पर ओह इह भुल जांदे हन कि जिस प्रकार दे लोक इह खेड खेडदे हन उहनां कोल समें अते पैसे दी कदे घाट नहीं रही। जिन्हां मुल्कां ने क्रिकेट खेड अपनाई है उत्थे भी इह हाकम जमातां दे साहिबजादियां जां अमीरजादियां दी खेड बन गई है। भारत विच इस खेड की शान शौकत सामने हाकी, फुटबाल आदि बड़िया निमाणिया खेडा हन, अर्थात यह गरीब घर के मुंडिया के खेडन लई ही रह गई हैं। सो दोस्तों, इस दे नाल ही अज का यह लेख आप इत्थे खत्म करते हैं, तो फिर मिलांगे इहदे दूजे भाग के नाल। धन्यवाद।